Hi guys, so I am Rizwan sir. So I am telling you about some important questions, words, and these words are very helpful हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम 25 दिसंबर से सीटेट एग्ज़ाम और 15 जनवरी के बीच कभी भी हो सकता है, तो आप लगे रहें और आप एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन करते रहें। चलिए लेटेस्ट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है आपके बच्चों, नंबर एक, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बच्चों एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अनुवाद करना, जिसका मीनिंग होता है अनुवाद। तो ट्रांसलेशन का मीनिंग हुआ अनुवाद। ये बना है बच्चों किससे? ट्रांसलेट से। ट्रांसलेट है बच्चों वर्ब जिसका मीनिंग होता है अनुवाद करना। इट मीन्स ये है चेंज, चेंज मीन्स, चेंज भी बच्चों वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बदलना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों कन्वर्ट। कन्वर्ट भी वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बदलना। नेक्स्ट है बच्चों द ट्रांसलेशन मेथड, द ट्रांसलेशन मेथड, method is good for you। It means ये हुआ बच्चों कि जो translation का method है, translation, the translation of method, the translation method यानी translation की विधि, अनुवाद की विधि इज़ गुड है फॉर यू, आपके लिए ना बहुत अच्छी है। बट ट्रांसलेशन का मीनिंग कहाँ पर होता है? नंबर एक क्या है, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में। एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को, जैसे कोई एक लैंग्वेज आपके लिए कोई सी भी, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी, किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर लर्न कर लिया कि देखो हम दो लैंग्वेज सीखते हैं, नंबर एक लैंग्वेज कौन सी सीखते हैं, फर्स्ट, नंबर सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? फर्स्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, प्राइमरी लैंग्वेज। बट जो हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज होती है यानी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लैंग्वेज। जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी लैंग्वेज। सेकेंडरी लैंग्वेज। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं बच्चों कि ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए होता है, बट जो प्राइमरी लैंग्वेज है ये हमारी ऑटोमेटिक होती है, इसको हम बिना ट्रांसलेशन के सीखते हैं। जैसे कि इसको हम बोलते हैं जैसे कि आपका एक्विजिशन, एक्विजिशन हुआ, जबकि ये सेकेंडरी लैंग्वेज जो होती है बच्चों वो हमारी क्या होती है, लर्निंग। लर्निंग बच्चों ये हमारा अधिगम हुआ, यानी कि इसको हम बाय प्रैक्टिस के जरिए सीखते हैं, इसको हम बाय प्रैक्टिस के जरिए नहीं सीखते हैं। बट इसमें हमें ट्रांसलेशन की मीनिंग ज़रूरत नहीं होती है, बट यहाँ पर हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसलेशन का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सेकेंडरी लैंग्वेज में है। ट्रांसलेशन मेथड इज गुड फॉर, सेकेंडरी लैंग्वेज।
सो यहाँ पर हमने लर्न कर लिया कि देखिए जो ट्रांसलेशन मेथड है वो हमारा सेकेंडरी लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये जो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है इसमें यूज़ किया जाता है ट्रांसलेशन मेथड का, जो ओपन ट्रांसलेशन मेथड दिया है ना तो उसका यूज़ हम करते हैं सेकेंडरी लैंग्वेज को सीखने में, और वो बना है किससे, ट्रांसलेट से। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए आ रहा है बिहेवियरिस्ट, ठीक है, बिहेवियर यानी ये बना है किससे आपका, व्यवहारवादी। बना है बच्चों किससे, बिहेव से। बिहेव का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से वर्ब है, इसका मतलब होता है व्यवहार करना, व्यवहार करना यानी बिहेव मीन्स होता है व्यवहार करना। आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, एक टीचर का रोल बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार सिखाता है उसका मीनिंग आया है यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों आपका नेचुरलिस्ट, प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी बच्चों ये बना है आपका नेचर से। नेचर भी एक तरह से वर्ब भी बनेगा और नाउन भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर आएगा प्रकृतिवादी, प्रकृति, प्रकृति होना। नेक्स्ट है बच्चों आपका फोर नंबर मॉरलिस्ट, नैतिकवादी। बच्चों ये बना है आपका मॉरल से, मॉरल एक तरह से नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, ठीक है, और एक वर्ब भी बन जाएगा। मॉरल का मीनिंग होता है नैतिक, बनना, नैतिक बनना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मीनिंग होता है बच्चों संरचनावादी, संरचनावादी का मीनिंग होता है बच्चों कंस्ट्रक्ट से बना है, कंस्ट्रक्ट एक तरह से वर्ब है बच्चों, रचना करना या संरचना करना। संरचना करना सिक्स कॉग्निटिविस्ट, कॉग्निटिविस्ट कॉग्निटिविस्ट का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से संज्ञानात्मकवादी, संज्ञानवादी। कॉग्निटिविस्ट से बना है, कॉग्निटिव से बना है बच्चों, एक तरह से वर्ब है संज्ञान करना। संज्ञान करना सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लैंग्वेज को सीखने में, सेकेंडरी लैंग्वेज को सीखने में हमारे सीटेट एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, सीटेट एग्ज़ाम के बाद में यूपीटेट बिल्कुल तैयार है, और आपको सीटेट को अच्छे से एक तैयारी करना है ताकि वो आपका यूपीटेट के लिए हेल्पफुल रहे। क्यों, क्योंकि यूपीटेट के बाद फ़ौरन 22,000 वैकेंसी आने वाली हैं जो प्राइमरी की होंगी, और कुछ ऐड भी हो सकती है, 56 भी हो सकती हैं। बट अभी कोर्ट का थोड़ा मैटर चल रहा है, कोर्ट का जैसे ही मैटर क्लियर होगा वैसे ही आ जाएगी। अभी बीएड और डीएलएड वालों का थोड़ा उलझन चल रही है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका सेवन वर्ड है बच्चों आपके लिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जैसे कि आपका लर्नर, देखो लर्नर का मतलब, लर्नर का मीनिंग होता है बच्चों सीखने वाला, सीखने वाला, लर्नर का मीनिंग होता है बच्चों सीखने वाला। तो ये लर्न से बना है, लर्न एक वर्ब है और लर्नर एक सीखने वाला, लर्न एक वर्ब है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सीखना।
सीखना। बट अगर हम यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए लर्न लर्न एक वी की फर्स्ट फॉर्म है, इसी से बनेगा लर्नड, इसी से बना लर्नड, लर्नड, अब बना लर्निंग, लर्निंग, यहीं पर बनेगा लर्न्स, लर्न्स। सो मैंने यहाँ पर ये बताया आपको कि देखिए लर्न का मीनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना सीखना, लर्न बना आपका सेकेंड फॉर्म वी की, लर्न मीन्स बना वी की थर्ड फॉर्म, और लर्निंग बना सीखना, लर्न्स मीन्स बना आपका सीखता है। नेक्स्ट वी की फर्स्ट फॉर्म जो मैंने ऑलरेडी लिखा है, वी की सेकेंड फॉर्म, वी की थर्ड फॉर्म, वी की फोर्थ फॉर्म, और वी की आपकी फिफ्थ फॉर्म। लेकिन ये मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुका था, लर्न एक तरह से ना विद्वान होता है, एक तरह से एडजेक्टिव भी बनेगा और नाउन भी बनेगा, और इसका मीनिंग होता है विद्वान, विद्वान। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आपके लिए आ रहा है, ठीक है, एटीट्यूड, एक तरह से एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड का मीनिंग होता है एक तरह से आपका नज़रिया। ये बच्चों एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होगा नज़रिया, नज़रिया, नज़रिया का मीनिंग होता है आपका मैनर, एक तरह से ढंग, मैनर का मीनिंग होता है ढंग, आपका काम करने का तरीका क्या है, आप करने का ढंग क्या है। नेक्स्ट है आपका जैसे हिज एटीट्यूड, His attitude, his attitude is good. बच्चों यहाँ पे noun का काम कर रहा है, his attitude is good, यानी उसका जो नज़रिया है, उसका जो रुख है ना, वो बिल्कुल अच्छा है आपके प्रति, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा, your manner, इज़ गुड, बट आपका जो मैनर है वो बहुत अच्छा है, आपके जो मैनर है ना वो बहुत अच्छे हैं, यानी आपका मैनर बहुत अच्छा है, इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है आपका टेन सेंटेंस है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल एक तरह से बच्चों नाउन है, ठीक है, बहुभाषिक, बहुभाषिक आपका एडजेक्टिव भी बनेगा, ठीक है, बहुभाषिक, ये बना है बच्चों लिंगुअल से, लिंगुअल का मीनिंग होता है बच्चों भाषिक, भाषिक, ठीक है, लिंगुअल का मीनिंग होता है भाषिक। बाइलिंगुअल का मीनिंग हुआ जैसे कि आई एम बाइलिंगुअल, मैं बहुभाषिक हूँ, आई एम लिंगुअल, आई एम लिंगुअल, मैं भाषिक हूँ। बच्चों यहाँ बना बाई, बाई का मीनिंग होता है दो, बाई का मीनिंग होता है दो, ट्राई का मीनिंग होता है तीन यानी थ्री, तो लिंगुअल का मीनिंग होता है भाषा, बाइलिंगुअल का मीनिंग हुआ द्विभाषा, दो से अधिक भाषा, जिसे इंग्लिश आपकी और हिंदी आपकी। कोई बच्चा क्लास में अगर हिंदी जानता है तो वो लिंगुअल बना एक भाषा, बट कोई बच्चा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानता है तो वो बना कौन, बाइलिंगुअल, यानी द्विभाषावादी। इट इज़ क्लियर हुआ। सो यहाँ पर लिंगुअल ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिसोर्स, एक तरह से नाउन है, इसका मीनिंग होता है संसाधन या साधन, सोर्स, संसाधन, ठीक है, इसी तरह से बनेगा सोर्स, मीनिंग बनेगा साधन, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव मैनी रिसोर्स
ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन। इट इज़ क्लियर हुआ कि मेरे पास शिक्षा के अनेक स्रोत हैं, अनेक रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका, नेक्स्ट आपका जेंडर, ये आपका नाउन है। जेंडर का मीनिंग होता है आपका मेल या फीमेल होना, मेल या फीमेल, या ठीक है, मेल या फीमेल। तो यहाँ पर आप जेंडर बना मेल या फीमेल पे डिपेंड करता है। तो हमें क्या काम करना चाहिए, एक टीचर होने के नाते बच्चों को मेल या फीमेल तो है लेकिन उनको सब्जेक्ट में भेदभाव नहीं करना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे रिहान इज ए मेल जेंडर, रिहान एक मेल जेंडर है, जबकि जबकि रिजवाना इज ए फीमेल जेंडर। सो यहाँ पे हमने देखा मेल एंड फीमेल को समझाने के लिए। तो जेंडर का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से क्वालिटी आपकी, इज राइट ना। नेक्स्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एक तरह से नाउन है जिसका मीनिंग होता है पर्यावरण, जबकि एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर का मीनिंग होता है एक तरह से वातावरण। एटमॉस्फेयर का मीनिंग होता है एक तरह से वातावरण, वातावरण, ठीक है। द एनवायरनमेंट The environment is a subject. Environment एक subject है. The atmosphere is very good. वातावरण बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपके लिए लास्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड का मीनिंग यू विल हैव टू सेंड मी एवेल्यू, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन एक नाउन है और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग चेक करके बताना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, आप प्लीज़ सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सो कम टू द टॉपिक बच्चों आपका, देखो ट्रांसलेशन मीन होता है नाउन है एक तरह से अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना वर्ब है, चेंज मीन्स होता है बदलना, कन्वर्ट मीन्स भी होता है बदलना, ट्रांसलेशन मीनिंग होता है मेथड इज़ गुड फॉर यू, आपका मेथड बहुत अच्छा है। लैंग्वेज हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करना, फर्स्ट लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज होती है, एक्विजिशन होता है अर्जन करना, जबकि सेकेंडरी लैंग्वेज
होती है, सेकेंड लैंग्वेज सेकेंडरी लैंग्वेज लर्निंग से सीखी जाती है। ट्रांसलेशन का मेथड इज़ गुड फॉर सेकेंडरी लैंग्वेज, यानी ट्रांसलेशन का जो मेथड है ना वो सेकेंडरी लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा है। देखो बिहेवियरिस्ट का मीनिंग होता है व्यवहारवादी, और ये बना है किससे, बिहेव से, व्यवहार करना। नेचुरलिस्ट का मीनिंग होता है प्रकृतिवादी, बना है नेचर से, प्रकृति होना। मॉरलिस्ट का मीनिंग होता है नैतिकवादी, मॉरल से बना है, नाउन भी है, एडवर्ब भी है और वर्ब भी है, नैतिक बनाना। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मीनिंग होता है संरचनावादी, कंस्ट्रक्ट से बना है, रचना करना, संरचना करना। कॉग्निविस्ट, कॉग्निटिविस्ट का मीनिंग होता है संज्ञानवादी, कॉग्निटिव से बना है, वर्ब है संज्ञान करना। लर्नर, लर्नर मीन्स होता है सीखने वाला, लर्न से बना है सीखना। यहाँ पे लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्निंग और लर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है। जबकि लर्न्ड एक एडजेक्टिव भी है जिसका मीनिंग होता है विद्वान या पढ़ा लिखा व्यक्ति, इज राइट। नाउ नेक्स्ट, एटीट्यूड का मीनिंग होता है आपका एडजेक्टिव है, नाउन भी, नज़रिया आपका, तरीका क्या है, मैनर होते हैं आपके ढंग। हिज एटीट्यूड इज़ गुड, उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है। योर मैनर इज़ गुड, आपका तरीका बहुत अच्छा है। बाइलिंगुअल का मीनिंग होता है एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, बहुभाषिक होता है, लिंगुअल होता है, भाषिक होता है। आई एम बाइलिंगुअल, आई एम लिंगुअल, ठीक है। बाय मीन्स दो होते हैं, ट्राई मीन्स तीन होते हैं, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, दोनों लैंग्वेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रिसोर्स का मीनिंग होता है संसाधन, सोर्स का मीनिंग होता है साधन। आई हैव मैनी रिसोर्स ऑफ एजुकेशन, मेरे पास अनेक शिक्षा के रिसोर्सेज हैं। जेंडर का मीनिंग होता है मेल या फीमेल, दो प्रकार के जेंडर होते हैं। रिहान इज़ ए मेल जेंडर है, जबकि रिजवाना इज़ ए फीमेल जेंडर है। एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है पर्यावरण या एटमॉस्फेयर का मीनिंग होता है वातावरण। द एनवायरनमेंट इज़ ए सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो एटमॉस्फेयर इज़ ए वेरी गुड, एंड यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। इवैल्यूएशन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मीनिंग क्या है, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं सीटेट से रिलेटेड, तब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे, तब तक आप लगे रहेंगे वीडियोस को देखते रहेंगे हमारी, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको इसी तरह से अगली वीडियो में।